इंडिया में हर 4 मिनट में एक वुमन को ब्रेस्ट कैंसर होता है, एंड जितने लोगों को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है उनका डेथ रेट 50% है। क्यों? क्या ब्रेस्ट कैंसर इतना खतरनाक है? नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें बहुत ही लेट यानी कि स्टेज 3 या स्टेज 4 पे पता चलता है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। इट इज़ एक्चुअली ईजिली प्रिवेंटेबल अगर हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहें तो। तो आइए पता करते हैं कि हम कैसे घर बैठे बैठे रेगुलरली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथों को ऊपर रेस करिए या फिर दोनों हाथ अपने सर के पीछे रख लीजिए। आप अपने दोनों हाथ अपने हिप्स पे भी रख सकते हो और अपनी चेस्ट मसल्स को टेंस या फ्लेक्स कर सकते हो। इन दोनों पोजिशन से बेसिकली आपको ये पता चलता है कि आपके ब्रेस्ट के शेप या साइज में कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है या फिर आपके स्किन या निप्पल पे कोई डिम्पलिंग या पकड़न तो नहीं है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आपके अंडर आर्म्स एंड आपके कॉलर बोन्स भी काफ़ी एक्यूरेटली बताते हैं। कैसे? आप नॉर्मली लेट जाओ कीपिंग योर बैक ऑन द फ्लोर, क्योंकि लेटने के बाद आपके ब्रेस्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं वो पूरी बॉडी में इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, तो अगर कहीं कोई लंप होगा तो वो आपको तुरंत फील हो जाएगा। और लेटने के बाद ये चीज़ें ज़रूर ऑब्जर्व करें, क्या कोई लंप, स्वेलिंग या अंडर आर्म्स और ब्रेस्ट में कोई थिकनिंग तो नहीं है? इज देयर एनी एनलार्ज्ड लिम्फ नोड इन और अराउंड योर कॉलर बोन्स और अंडर आर्म्स? आप लेट कर और भी बहुत तरीकों से एग्जामिनेशन कर सकते हो। लेटने के बाद अपने अपर शोल्डर के नीचे एक पिलो रख लें और वो वाला हाथ ऊपर रेस करें और फिर अपने फर्स्ट 3 फिंगर्स से प्रेशर लगाकर अपने ब्रेस्ट टिश्यूज को या रिब्स और मसल्स को फील करो इन सर्कुलर मोशन, एंड फिर उसी तरीके से पूरा ब्रेस्ट एग्जामिन करो इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोशन। उसके बाद जो हाथ आपने रेस किया है वो आप नीचे कर लें और सिमिलर मैनर में अपने अंडर आर्म्स को एग्जामिन करो टू फिगर आउट एनी अनयूजुअल अबनॉर्मेलिटी। फिर आप अपने कॉलर बोन को भी चेक करो थोड़े लाइट प्रेशर से, बट विद द सेम फर्स्ट 3 फिंगर्स। नाउ रिपीट द सेम प्रोसेस अपने दूसरे साइड पे भी। अब ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कब करना चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन परफॉर्म करने का बेस्ट टाइम है आपके मेंस्ट्रुएशन के 1 हफ्ते बाद, और फिर नेक्स्ट मंथ से उसी डेट पे आप एग्जामिन करोगे तो और इफेक्टिव होगा। और आइडियली आपको शावर लेने के जस्ट बाद ही एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आप नेकेड होते हो, आपकी स्किन सॉफ्ट भी होती है और रिलैक्स्ड होती है, तो बहुत ईजिली एग्जामिन हो जाता है। जस्ट रिमेंबर कि ज़्यादातर ब्रेस्ट में लम्ब्स एंड चेंजेस कैंसरस नहीं होते हैं, बट प्रिकॉशन के लिए इट्स एडवाइजेबल दैट यू कंसल्ट योर डॉक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द लम्ब। तो डरने की कोई बात नहीं है, बस अच्छे से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियोज बाय अस।